हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरी पार्ट जो है वो डिजिटलीकरण है। आपको पता होगा कि क्लास वन से लेकर क्लास टेन तक के हमारी छत्तीसगढ़ की पाठ्य पुस्तक जो रहता है वो डिजिटलीकरण हो गया, क्यूआर कोड के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल हमारे ग्रामीण अंचल में ऐसी ही टीचर की कमी है, तो मैंने एक विद्यालय गया और विद्यालय में दो ही टीचर थे माध्यमिक शाला में, और 57 वहां पर एनरोल्ड थे। मैंने पूछा कि डिजिटलीकरण का मतलब क्या हुआ, बोले कि यदि मैंने क्लास थर्ड तक, क्लास तीन है सिक्स सेवन्थ एट, तो बोले कि यदि डिजिटली क्लास मैं बना दिया तो हमने दो टीचर दो क्लास पे हैं और एक टीचर नहीं है, वो हमारे डिजिटल क्लास करते हैं। जिस समय मैं गया तो गणित की अध्याय 7 का ही उसने बकायदा स्मार्ट टीवी से पढ़ा रहे थे। तो कहने का मतलब मेरा ये रहता है कि हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो डिजिटलीकरण है, जिसके तहत टीचर जो रहता है इस नवाचार, जब तक कि वो टीचर नवाचार नहीं करेंगे, क्यों कि पाठ्यक्रम आधारित को डिजिटलीकरण कैसे करना है, हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल तो है लेकिन उपयोग हमको कैसे करना है, हमने स्कूलों पर राशि जो दिया है उनकी सदुपयोग कैसे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में कोई क्लास के बच्चे खाली नहीं है। तो इस तरह से उसने क्या किया, सर्च करके दीक्षा ऐप में वह क्लास पढ़ाई हो रहा था। उसी तरह प्राथमिक शाला खट्टी जो गरियाबंद से लगा हुआ है, तो सबसे शुरुआत गिरीश शर्मा सहायक शिक्षक गरियाबंद द्वारा किया गया। मैंने जब विजिट में गया तो अध्याय दो का दांत वाली पाठ का बकायदा प्रसारण हो रहा था। मैंने उस पूछा इससे मतलब ही क्या हुआ, तो बोलते इस वीडियो से, इस नवाचार से बच्चों की जिज्ञासा जो रहता है वो बढ़ जाता है। तो हमारा क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आदि पार्ट पूरा डिजिटलीकरण है, कैसे हमको एमएचआरडी के चैनल के प्रसारण करना है, हमारे छत्तीसगढ़ की पाठ्य पुस्तक निगम ने जो लॉन्च किया है ऐप कैसे पढ़ाना है, अन्य साइट है गूगल के अन्य साइट में बच्चों को कैसे जिज्ञासा करना है, कहानी हो, कविता हो, पाठ्यक्रम हो, किस तरह आधारित करना है। तो ये टीचर की ही नवाचार है, और वो नवाचार किस पे आया, अपनी शिक्षा को बच्चों तक के ले जा रहा है। तो क्या हुआ हमारा, हमारी ये शून्य निवेश जो रहता है वो उनकी स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तन होते जा रहा है। मतलब क्या हुआ, एक कदम के बाद दूसरा कदम, दूसरा कदम के बाद तीसरा कदम, टीचर पीछे नहीं आ रहे हैं, टीचर उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। तो मेन मुद्दा रहता है कि उस नवाचार पर, कि वो हमारी डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाए। इस तरह से आप देख लीजिए कि इन्हीं के माध्यम से आप देख लेंगे कि यदि किसी जगह, यदि प्राथमिक शाला खट्टी है वो अपनी नवाचार को किसी दूसरे जगह प्रसारण करना चाहता है, तो डिजिटलीकरण का कर सकता है, गूगल मीट से कर सकता है, वो वेबएक्स से कर सकता है, जूम से कर सकता है। तो ये जो नवाचार रहता है, अपने एक स्कूल से चला जाएगा दूसरा स्कूल, दूसरा को स्कूल से तीसरा स्कूल, फिर एक क्लस्टर से दूसरा क्लस्टर, फिर एक क्लस्टर के बाद ब्लॉक, फिर ब्लॉक से अन्य ब्लॉक। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो जिला को भी कवर कर रहे हैं अपनी उस नवाचार से। मतलब हमारे यहाँ 10 तारीख को इस नवाचार का जिला स्तरीय ऑनलाइन जूम के माध्यम से हुआ था। मतलब एक शिक्षक अपने विद्यालय में जो नवाचार किया था बच्चों के लिए, वो जिला के अन्य स्कूल को भी दिखाया।